हेलो एसजीडीबी स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल NH9 डिंग रोड सिरसा। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 कर रहे थे, वुमेन चेंज द वर्ल्ड, पेज नंबर 58 इन योर सिविक्स बुक्स। सो हम ये कुछ डायलॉग्स फॉर्म में एक छोटी सी स्टोरी है रीड करते हैं। माय गुडनेस सेवियर, You have managed only 65% in maths। अब वो ये जो है मदर हैं अपने सन को प्यार से बोल रही है, माई गुडनेस सेवियर, तुमने सिर्फ 65% लिए मैथ्स में। योर मार्क्स इन फिजिक्स आर लो टू, फिजिक्स में भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम हैं। अब ये सन क्या बोल रहा है, आई नो मामा बट इट्स ओके, ये कह रहा है कि मुझे पता है बट ठीक है ना, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू टेक मैथ्स और साइंस, मैं जो है मैथ्स और साइंस नहीं लेना चाहता, आई वॉन्ट टू स्टडी हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री ही पढ़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट उसके फादर क्या बोलते हैं, वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिस्ट्री, तुम हिस्ट्री क्यों लेना चाहते हो, थिंक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर अपने भविष्य के बारे में सोचो, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब, तुम्हें अच्छी जॉब देखनी पड़ेगी, अच्छी जॉब लगना पड़ेगा, हिस्ट्री विल नॉट हेल्प, हिस्ट्री जो है तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी, इट हैज़ नो स्कोप, इसका कोई स्कोप नहीं है। अब सन क्या बोलता है, इनका बेटा बोलता है, बट आई डोंट लाइक मैथ्स और साइंस, थोड़ा हिचकिचाता हुआ बोलता है कि मुझे तो मैथ्स और साइंस पसंद ही नहीं है। बी सेंसिबल सन, ये क्या बोलते हैं, बी सेंसिबल, समझदार बनो, टेक मैथ्स, मैथ्स लो आगे के लिए, एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर साइड बाय साइड, और तुम साइड पे ही कंप्यूटर्स भी पढ़ सकते हो, समझ सीख सकते हो। द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज़ वेरी गुड, कंप्यूटर वालों के लिए जॉब मार्केट मीन्स की जॉब मिलना है काफ़ी ईजी है, अच्छा है। नाउ लर्निंग फॉर चेंज, एक बदलाव के लिए सीखना, गोइंग टू स्कूल इन एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, स्कूल जाना तुम्हारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है लाइफ का। एज मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी ईयर, हर साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल में लगते हैं, एंटर करते हैं फर्स्ट टाइम, वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर ऑल चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। हम देखते हैं कि स्कूल स्टार्ट करना, हम ये समझते हैं कि सभी बच्चों के लिए जो है नॉर्मल है स्कूल जाना, है ना। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रंस। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ये काफ़ी मुश्किल है इमेजिन करना कि जो स्कूल है और जो वहाँ की स्टडी है, लर्निंग है, कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब इसकी कोई बाउंड्री ना हो कोई लर्निंग की, और जो चिल्ड्रन के लिए अप्रोप्रिएट सही भी ना हो। बट इन द पास्ट टाइम में, पहले के टाइम में, द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वॉज नोन टू ओनली अ फ्यू। अब लिखना पढ़ना कोई कोई जानता था पास्ट टाइम में, पहले के टाइम में, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिलीज और एल्डर्स डिड, काफ़ी बच्चे जो है वो अपनी फैमिली के बड़ों से काम करना सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वॉज वर्स, जो गर्ल्स होती थी, लड़कियां होती थी, उनके लिए जो सिचुएशंस होती थी वो काफ़ी ख़राब होती थी इन कम्युनिटीज दैट टॉट सन्स टू रीड एंड राइट। उनके समाज में क्या होता था, सिर्फ बेटों को ही पढ़ाया लिखाया जाता था, डॉटर्स वर नॉट अलाउड टू लर्न द अल्फ़ाबेट, डॉटर्स को ओनली अल्फ़ाबेट भी अलाउड नहीं था सीखना, ABCV। इवन इन फैमिलीज वर वेयर स्किल्स लाइक पॉटरी वीविंग एंड क्राफ्ट वर टॉट, उनकी फैमिली में क्या सिखाया जाता था उनको, स्किल वाली चीज़ें सिखाई जाती लाइक पॉटरी वीविंग, मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई, क्राफ्ट कोई और, है ना, ये सब सिखाया जाता था। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर्स एंड वुमेन वॉज ओनली सीन एज सपोर्टिव, और जो
उनके परिवार में जो कंट्रीब्यूशन देखा जाता था, एक सपोर्टिव के नाते देखा जाता था, मेन जो मेंबर होते हैं, कुछ स्पेशल मेंबर, उनके नाते नहीं देखा जाता था वुमेन्स या डॉटर्स का. फॉर एग्जांपल, इन द पॉटरी ट्रेड वुमेन कलेक्टेड द मड. पॉटरी में क्या किया उन्होंने, मड कलेक्ट किया एंड प्रिपेयर द अर्थ फॉर द पॉट्स. जमीन को जो है, अर्थ को जो है तैयार करती हैं पॉट्स के लिए. बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, उनको व्हील चलाना ही नहीं आता जिस पे उन्होंने बनाना है. दे वर नॉट सीन एज पॉटर्स, उन्होंने जो है कभी देखा ही नहीं था पॉटर्स को, कैसे वो चलाते हैं, है ना. ये सब तो सीख रही हैं, लेकिन अब उनको व्हील ही नहीं चलाना आता, कार्ट ही नहीं चलाना आता, है ना. इन द 19th century में क्या होता था, मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड. काफ़ी जो नए नए आइडियाज़ जो हैं 19th century में एजुकेशन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड काफ़ी इमर्ज्ड किए गए. स्कूल्स बिकेम मोर कॉमन एंड कम्युनिटीज दैट हैड नेवर लर्नड रीडिंग राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल. स्कूल्स जो है काफ़ी कॉमन हो गए, आम हो गए कम्युनिटीज़ के लिए, समाज के लिए. दैट हैड नेवर लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग स्टार्टेड सेंडिंग देयर चिल्ड्रन. अब जो है अपने बच्चों को जो है सबको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में ही भेजने लग गए. बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ अपोजिशन, काफ़ी जो है विरोध भावना भी थी टू एजुकेशन गर्ल्स, एजुकेटिंग गर्ल्स, लड़कियों को पढ़ाने के लिए तब भी. येट मैनी वुमेन्स एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स. तब क्या किया गया, वुमेन काफ़ी वुमेन के और मैन के एफर्ट्स ने उनके उनको उन्होंने जोर लगाया और एक कोई हर जगह पे किसी ना किसी जगह पे गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले गए. वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट. वुमेन ने, औरतों ने क्या किया, स्ट्रगल किया काफ़ी पढ़ना लिखना सीखने के लिए. ओके, तो आज हम ये रीड करेंगे, आपने ये अच्छे से रीड करना है. ओके स्टूडेंट्स, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे. थैंक यू.